नैनीताल जिले से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 मीटर नीचे शिप्रा नदी में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जा रही एक कार जड़मिला के पास अनियंत्रित होकर सड़क से 100 मीटर नीचे शिप्रा नदी में जा गिरी, जिसके बाद आज सुबह जब स्थानीय लोगों ने एक कार को नदी में गिरा हुआ देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही खैरना चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने कार से बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। वहीं खैरना चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया कि युवक के पास से डीएल मिला था, जिसमें उसकी पहचान खजांची अल्मोड़ा निवासी कमल कुमार वर्मा के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी। फिलहाल शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।